हेलो। आवाज आ रही है ना मेरी? तो जैसे आप लोग रिप्लाई कर दिया करो, क्या होती है कि जैसे कि माइक कभी मतलब साउंड नहीं जाती है, प्रॉपर आप लोगों के पास साउंड नहीं जाती है तो फिर वो दिक्कत होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक कल तक थे है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, क्या हो गई, एक अनकमेंट हो गई है ना। हमने क्या किया, इसको सभी को कमेंट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं कौन सा, फॉर लूप है ना। तो हमने इफ़ देख लिया, कंडीशन इफ एल्स वाला देख लिया, उसको स्विच देख लिया, और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, फॉर लूप। कौन सा, फोर लूप। तो आज की क्लास में आप लोगों का फोर लूप का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्लियर। जिनको भी प्रॉब्लम आती थी फोर लूप यूज करने में, एक चीज़ आप ध्यान में रखना, मैं जो बता रहा हूँ आप लोग, आप लिखते हैं फोर और इसको कैसे यूज करते हैं। तो पहला होती है स्टार्टिंग पॉइंट का, क्या होती है, स्टार्ट, STARTE, स्टार्ट, स्टार्ट, ध्यान से। फिर उसको फर्स्ट क्या होती है, स्टार्ट, उसके बाद होती है आपकी स्टॉप, STOP, स्टॉप। फिर होती है आपकी क्या, स्टेप, ठीक है। अगर इस चीज़ को याद रखते हो तो आपको क्या हो जाएगी कि फोर लूप कैसे यूज़ करते हैं उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या आपको स्टार्टिंग, स्टॉप और स्टेप, ये तीन चीज़ें पता हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, फोर लूप यूज़ करते हैं, क्लियर। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं कि कहीं से जो भी हमारा लूप स्टार्ट होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद कब स्टॉप करना है और स्टेप कितना चलना है। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपको 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 से लेकर कितने तक प्रिंट किया, 10 तक। आपको स्टार्टिंग पता है, आपको स्टार्टिंग क्या है पता है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से। स्टॉप कहाँ तक करना है, 10 तक स्टॉप करनी है। और स्टेप कितना चलना है, तो 1 1 का इंक्रीमेंट है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। देखो यानी कि ये लूप किससे बन जाएगी, फोर लूप से बन जाएगी। आई समझ में, अगर आपको करनी है, देखो 2 का टेबल, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। ये किसका है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 2 से स्टार्ट करनी है। स्टॉप कहाँ पे करनी है, 20 पे, स्टार्टिंग 2 से, स्टॉप 20 पे। और स्टेप कितना चलना है, 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। तो ये लूपिंग है। तो लूपिंग हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि मुझे कोई टास्क है उसको मतलब परफॉर्म करानी है, कि जैसे कि अगर 1 2 3 4 5 अगर 20 है ना, तो वहाँ पे लिखूँ console.log, और आप लिख दो 2 2, और उसको मैं कॉपी कर लूँ, इसको 2 कॉपी कर लिया, 4 6 8 10 12 40, इसको सेव करता हूँ। और देखो रन करने के लिए 2 मेथड मैंने बताई थी, चाहो तो रन कहाँ से कर लो, यहाँ से। तो आपका जैसे कि नोड डॉट क्या था, नो डॉट इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर, देखो 2 2 4 6 8 10 12 14, यानी कि क्या हो गई, टेबल प्रिंट हो गई। तो क्या हम लोग कोडिंग ऐसे करेंगे, नहीं। अगर मैं बोल दूँ कि 100 तक प्रिंट करनी है, कहाँ तक, आपको 100 तक टेबल लिखनी है, तो क्या आप लोग 100 तक कॉपी करके ऐसे जाते जाओगे, ऐसे नहीं ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फोर लूप यूज़ कर लेते हैं, है ना। हमें जब बहुत सारा काम एक साथ करानी होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे लूप का यूज़ करते हैं, क्लियर। जैसे आपके डेटाबेस में मतलब लाखों डेटा है ना, जब प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, उस डेटाबेस में आपके पास कितना डेटा है, लाखों डेटा है। चाहते हो कि वो डेटा करके एक एक करके आ जाए सारा डेटा, तो वहाँ पे क्या करोगे, फोर लूप यूज़ करके, या कुछ प्रिंट कराना चाहते हो 1 से लेके 1000 लाइन तक, तो वहाँ पे कौन सा लूप यूज़ कर लोगे, फोर लूप यूज़ कर लोगे। तो हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट इसलिए यूज़ करते हैं कि हम टास्क जो है परफॉर्म कराना चाहते हैं, एक बार में बहुत सारा टास्क परफॉर्म हो जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, लूप का, ठीक है। तो वैसे ही पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका कंडीशन का, इफ़ कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपकी, जैसे कि अगर आजकल की जो भी बाइक्स है, चाहे जो भी आपके व्हीकल्स आ रहे हैं, है ना, 4 व्हीलर आ गए, है ना, उसमें सारे में क्या हो रही है, इनबिल्ड सिस्टम आ रही है। जैसे कि आप लोग, जैसे महिंद्रा का जो अभी आई है XUV, है ना, उसका जो फीचर्स है क्या है, ऑटोमेटिक चलती है। वो कैसे चलती है,
उसमें इनबिल्ड सिस्टम लगा हुआ है उसको चलाने के लिए, किसमें, जो महिंद्रा है, अच्छा जो भी आपकी बड़ी बड़ी कार्स आती हैं ना, स्मार्ट कार्ड है ना, जैसे कि ऑटो पार्किंग का सिस्टम लगा होता है, वो कैसे लगा होता है, वहाँ पे कंडीशन लगा होता है, अगर कोई सामने अगर आपको डिटेक्ट करती है कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या होना है कि रुक जाना है, स्टॉप करना है। अगर आपको जैसे 5 मीटर पर कोई वस्तु दिख रही है ना, कोई ऑब्जेक्ट दिख रही है, तो 5 मीटर के बाद क्या करना है, उसको स्टॉप हो जाना है। तो सारे कौन से कंडीशन पर चल रहे हैं, इफ कंडीशन पर चल रहे हैं ना। तो जैसे कि कुछ लोग होंगे गेमिंग डेवलप करना चाहते हैं, या कुछ लोग जैसे कि प्रोग्रामिंग पे, कुछ लोग वेब डेवलपमेंट पे, हर एक का इंटरेस्ट अलग अलग होती है ना। तो ये सारे जो लूपिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो किस पे सॉल्व किए जाते हैं, इफ कंडीशन के थ्रू। ये आपके जो स्विच के हैं, तो जैसे कि आप मान लो कोई फंक्शन बना रहे हो, अगर 1 प्रेस करे तो ये वाला फंक्शन चले, 2 वाला प्रेस करे तो ये वाला फंक्शन चले, तो उसके लिए किस स्टेटमेंट को यूज करते हैं, स्विच वाले को। तो वैसे ही हमारा क्या है, फोर लूप, हमें चाहते हैं कि बहुत सारा चीज़ डेटा एक साथ प्रिंट हो, तो हम उसके लिए कौन सा लूप यूज़ करते हैं, फोर लूप का, ठीक है। ये आपकी क्या थी, स्ट्रक्चर थी, कैसे फोर लूप स्टार्ट स्टॉप और स्टेप देते हैं। चलिए इसकी कोडिंग करके हम लोग देखते हैं, है ना, 1 से लेकर आपको प्रिंट करनी है कितना तक, 10 तक। तो मैं यूज़ करता हूँ फोर लूप, और यहाँ पे देखो स्टार्ट, तो वेर, तो मैंने वेरिएबल बनाता हूँ, और आई इक्वल टू 0, कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से चाहे 1 से, मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से। और स्टॉप कितनी करनी है, 10 तक, आई लेस देन इक्वल टू 10, कहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, 10 पे स्टॉप हो जाएगी। अब स्टेप हमें कितना कितना चलनी है, तो आई प्लस प्लस, मतलब इसका 1 1 करके क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट कर दो, आई को, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कोलन, सेव करता हूँ, फिर से क्या करूँ, यहाँ पे कंपाइल करके रन कर देता हूँ। नोट देखो, 1 से लेके कहाँ तक प्रिंट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो दिख रही है सभी को ना। तो फोर लूप ऐसे चलती है, क्लियर, ठीक है। अब चाहते हो इसको डेस्कटॉप पे प्रिंट करने के लिए, कहाँ पे, अपने साइट पे, तो उसको, कैसे करेंगे प्रिंट, तो देखो यहाँ पे कैसे, किस पेज पे कनेक्ट किया है मैंने, इंडेक्स पेज पे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज पे, और लिंक मैंने किसको किसको किया है, मेन डॉट जेएस को और इंडेक्स डॉट जेएस को। तो अभी मेन डॉट जेएस पे वर्क कर रहे हैं, नहीं नहीं ना कर रहे, तो इसको क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। तो हमारा कौन सा फाइल है, इंडेक्स डॉट जेएस, क्लियर। इंडेक्स डॉट जेएस में हमारा क्या है, कोड फोर लूप का है, 1 से लेकर कितना तक प्रिंट करेगा, 10 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। तो जाऊंगा इंडेक्स पेज पे, राइट क्लिक, और इसको क्या करूंगा, रन ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है। देखो क्या हो गया, प्रिंट हो गई है ना। इसको क्या करता हूँ, कॉपी करके मैं क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ, कॉपी किया और आता हूँ क्रोम पे, और यहाँ से कंट्रोल भी इंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी जूमिंग 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आपको दिखी नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहाँ पे प्रिंट किया गया है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में कंसोल डॉट लॉग पे, तो हमें कहाँ दिखेगी, कंट्रोल शिफ्ट आई, इस पे चलते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट आई, तो हम किस पे चले गए, इंस्पेक्ट विंडो पे। देखो अब डेटा क्या आ गई, 1 से लेके 10 तक आ गई, क्लियर। चाहते इसको क्या करते हैं, इससे डिलीट कर देते हैं कंसोल को, फिर से आप रिफ्रेश करोगे तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गई, क्लियर, ठीक है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे जो आपकी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे लिखी हुई है ना डेस्कटॉप पे, तो यहाँ पे प्रिंट हो, क्या हो वहाँ पे। तो देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या प्रिंट, किसको प्रिंट कर दूँ, आई को, और यहाँ पे सेमी कोलन, सेव कर दिया। देखो 1 से लेकर कितना तक प्रिंट हो गया, 10 तक। अब चाहते हो कि एक एक लाइन ब्रेक करके प्रिंट हो, तो बोलिए कि मैं क्या करूँ, कैसे ब्रेक करूँगा, देखिए अब कहाँ पे है, आई, तो पहले आई पे क्या प्रिंट हो जाएगी, 1, इसको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, कमेंट हो गई, ठीक है आई। और मुझे क्या करनी है, कंकनेट करनी है, कंकनेट मतलब कि हमें जब दो आपके ये वाला क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, प्लस कुछ स्ट्रिंग को या कुछ मुझे दूसरे चीज़ को ऐड करनी होती है, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं कंकनेट करना, है ना, ऐड करना, क्लियर। इसको मैं डबल कोट यूज करता हूँ और टाइप करता हूँ बी आर, सर राइट एलएन भी यूज कर सकते हैं, राइट एलएन,
राइट एलन न्यू लाइन, हाँ, ठीक, हाँ उसको उसको भी कर लेते हैं ना। देखो वन से लेके क्या हो गई, 10 तक प्रिंट हो गई, क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, और यहाँ पे किसको प्रिंट कर लो, आई को, ठीक है, सेमी कॉलन सेव रन। देखो सेव और रन, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गई, सबको स्पेस देते गया है ना, जबकि ब्रेक क्या करते गया, एक एक न्यू लाइन को ब्रेक करते गया है ना, डिफरेंस तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ए स्पेस देते गया आई, तो आई के बाद ए न्यू लाइन मिला है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एल एन का मतलब न्यू लाइन, जैसे कि आप थी प्रिंट एल एन, तो एल एन का मतलब न्यू लाइन, तो हम लोग न्यू लाइन के लिए इसलिए यूज़ करते हैं, चाहे जैसे आप लोग सी में यूज, सी प्लस में यूज़ किया होगा इन डेल है ना, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे 1 2 वैसे वाले फॉर्मेट में प्रिंट करना था, तो 1 से लेकर मैंने क्या किया, 10 तक प्रिंट किया, क्लियर। अब क्या करनी है आपको, जैसे कि अभी वाइल लूप पे, ठीक है, फोर लूप समझ में आई ना, किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट समझने में फोर लूप को, एक एक कंसेप्ट क्लियर होना, फोर लूप कैसे यूज करते हैं। हेलो, यस सर, ठीक है, तो अब यस आप सर, लूपिंग के क्वेश्चन बन जाएंगे ना, अब यस सर, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं ना, यस सर, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, इस ये वाला जो मैं कोडिंग कर रहा हूँ इसका आपको मतलब क्वेश्चन भी चाहिए क्या, क्या बोलते हैं इसका, आपको नोट्स भी चाहिए इसका, ये वाला। हेलो हेलो, इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है, मैं ग्रुप पे है ना इसको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, फोर लूप यूज़ करता हूँ एक, और देखिए यहाँ पे टाइप करता हूँ इंड, इंट इंट यहाँ पे वेरिएबल नहीं लेते, वैर से लेते हैं ना, वैर, और यहाँ पे टाइप करता हूँ आई इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट हो, 2 से स्टार्ट हो है ना, और आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाए, लेस देन इक्वल टू 20 तक, और यहाँ पे सेमी कॉलन, और इसका स्टेप में क्या डाल दूँ बोलिए, 2++ है ना, कितना, जैसे कि 2++ कर दूंगा, तो देखो अभी यहाँ पे 2, यहाँ पे आई प्लस प्लस आई इक्वल टू, आई इक्वल टू आई प्लस 2, ठीक है, और इसकी मैंने क्या कर देता हूँ, बॉडी दे देता हूँ बॉडी, और यहाँ पे क्या कर लूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंसोल डॉट, गलती हो गया, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं किसको प्रिंट कर देता हूँ, आई को, आई, और यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लस कंकेट करता हूँ, डबल कोट ब्रेक बी आर टैग, इसको मैंने क्या किया, क्लोज किया, और यहाँ पे सेमी कोलन सेव करता हूँ। देखो आउटपुट 2 का क्या हुआ, टेबल 1 से लेके 20 तक, क्या ही 1 से लेके 20 तक टेबल आ गई, क्लियर। तो आप लोग लूपिंग पे जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे है ना, आपकी कंसेप्ट उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हेलो, सर, ठीक है, हाँ बोलिए, कुछ बोलना है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, हेलो सर, हाँ बोलिए, हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए, सर जावास्क्रिप्ट में इंटीजर स्ट्रिंग ऐसे और डेटा टाइप नहीं होते हैं क्या, सिर्फ वैर वेर वेर होते होते हैं हैं है ना, वेर, तो जावास्क्रिप्ट में आपके डेटा टाइप होते हैं वेर, लेट एंड कॉस्ट है ना, तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, जो आप सब कुछ लोगों का छूट गई है वेरिएबल वाली है ना, तो देखो मैं अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कैसे लेते हैं, वेर लेट एंड कॉस्ट, CONST, कॉस्ट, तीन टाइप से हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल लेते हैं, किसमें, जावास्क्रिप्ट में है ना, तो जावास्क्रिप्ट में अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ कुछ भी, जैसे कि मान लो कुछ भी, ए बी इक्वल टू डाल देता हूँ 1 2, तो किस टाइप का डेटा टाइप हो गया, ए इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हो गया, डबल ए जैसे मान लो ए, तो किस टाइप का डेटा टाइप हो गया, इंटीजर टाइप का,
अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ आपका डबल कोट में हेलो, तो किस टाइप का हो गया आपका, ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। अगर मैं क्या करूँ इसको टाइप कर दूँ सिंगल कोट में, तो यस सर। कैसा हो जाएगा आपका, एक करेक्टर टाइप का हो जाएगा, क्लियर। और मैं टाइप कर दूँ यहाँ पर ट्रू, अब ये किस टाइप का होगा, बुलियन हो गया, क्लियर। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्रू बुलियन हो गया, ट्रू या फ़ाल्स। ठीक है, स्ट्रिंग करनी है तो मुझे डबल कोट में यहाँ पर कुछ भी डाल दूंगा, ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया कुछ भी, ये टोटल क्या हो गया, ये स्ट्रिंग टाइप का। ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेता है कि किस टाइप के वेरिएबल्स मतलब वैल्यू आ रहे हैं, स्ट्रिंग आ रहे हैं आपके, इंटीजर आ रहे हैं आपके, करेक्टर आ रहे हैं, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो डबल इक्वल टू यहाँ पर 10 दे दिया, तो ऑटोमेटिक ये इंटीजर टाइप की हो जाएगी, क्लियर। तो जावास्क्रिप्ट का आपका जो कंपाइलर है, जावास्क्रिप्ट जो सारे बनाए गए हैं कंसेप्ट, ये थोड़ा सा एडवांस बनाए गए हैं, है ना, सबसे ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी मानी जाती है। अगर जावास्क्रिप्ट आपको अच्छे से आती है ना, तो आपको जॉब अच्छा खासा मिलता है, मतलब पैसे अच्छे खासे पे करते हैं कंपनी आपके जावास्क्रिप्ट के लिए। बस उसमें डीप नॉलेज होना चाहिए, किसके, जावास्क्रिप्ट के, क्योंकि जावास्क्रिप्ट अगर आपको आती है तो आपसे क्या क्या काम लिया जा सकता है, रिएक्ट पे, एंगुलर पे, हर एक टेक्नोलॉजी पे वर्क है इसका, जावास्क्रिप्ट का। जावा यूज़ कर लो वहाँ पे, पाइथन यूज़ करो वहाँ पे, हर एक जगह किसका यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट की, क्लियर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बताया कि वेर, तो वेर कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेर के थ्रू, जो इसकी स्कोप होती है वेर की, आपके होल ऑफ द यस सर। प्रोग्राम पे होती है, और जो लेट की स्कोप होती है, अगर मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, फंक्शन एफ इवन फंक्शन, और यहाँ पर डालता हूँ आपका कंट्रोल जेड, मैं क्या करता हूँ सम नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, और यहाँ पर टाइप करता हूँ आपका, ठीक है, लेट लेट, और यहाँ पर टाइप करता हूँ नम वन इक्वल टू, यहाँ पर डाल देता हूँ 20। ठीक है, यहाँ पे सम और इसकी बॉडी मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो मेथड की क्या हो देते हैं यहाँ पे, मेथड ऐसे, तो जब भी हम मेथड या फंक्शन बनाते हैं तो ये वाली ब्रैकेट देते हैं, अगर जब हम एरे लिखना होता है तो अरे के लिए किसी आपकी मेथड की बॉडी है तो इसके लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो तीनों हमारे क्या होते हैं आपके ब्रैकेट्स होते हैं, आप किसके लिए यूज़ करते हैं, ये मेथड मेथड के लिए या तो फंक्शन के लिए, तो एफ इवन सी टी आई वन फंक्शन, ठीक है। ये वाली किसके लिए यूज़ करते हैं, अरे के लिए, ये वाली जो ब्रैकेट है ये डबल आर ए वाई अरे, और ये किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, बॉडी डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बनाया है ना, इसको कमेंट कर देता हूँ, एरर आ रही है, ठीक है। तो लेट एंड वेर एंड कॉस्ट में डिफरेंस देख रहे थे, तो जो वेरिएबल होती है हमारे होल ऑफ द प्रोग्राम पे यूज होगी, है ना, जो लेट है तो हमने क्या बनाया, एक मेथड बनाई सम नाम की, और इसकी जो स्कोप होगी जो नम वन की, ओनली वन इस वाले बॉडी के अंदर ही होगी, कुछ भी देते जाओ इसके अंदर, तो जितना भी लेट का यूज करोगे इस वाले वेरिएबल को, लेट को, ओनली वन किसके अंदर होगा, इस वाले स्कोप के अंदर होगा, है ना, जैसे बाहर यूज करेंगे हम इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्लियर। ठीक है, अब इस वाले सम को मैं कॉल करूंगा, क्लियर, यहाँ पे तो सम कॉल हो जाएगी, कैसे, सम और इसकी ब्रैकेट और सेमी कॉलन, तो जो आपकी मेथड है ये कॉल हो जाएगी, है ना। अगर चाहो तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके नम वन को प्रिंट कर लो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, नम वन को प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे सेमी कॉलन, और जो आपकी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट अगर आपने वेरिएबल दे दिया यहाँ पे, डिसाइड कर दिया सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट, और यहाँ पे टाइप कर दो नेम इक्वल टू, जैसे डाल दो, और यहाँ पे डाल दो आपका ए टी यू एल, ठीक है, अतुल मैंने डाल दिया, और यहाँ पे सेमी कॉलन, तो एक कॉन्स्ट टाइप का होगी वेरिएबल, यहाँ पे नेम पहले ऐसे डिक्लेयर है क्या, नेम वन कॉन्स्ट, हाँ कॉन्स्ट, यहाँ पे मिस्टेक थी क्या स्पेलिंग, ठीक है हाँ। तो कॉन्स्टेंट के लिए कॉन्स्ट की वर्ड यूज करते हैं ना, अगर मैं क्या किया एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्टेंट यहाँ पे अतुल, अब देखो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, मैं चेंज करता हूँ नेम, मैं चेंज करता हूँ डबल कोट में कुछ भी हेलो, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या है क्रॉस से नहीं, यहाँ पे आपको इरर नहीं दिख रही है, अभी मैं इरर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कहाँ पे, यहाँ पे कंसोल पे कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ पे टाइप करता हूँ देखो सी ओ एन एस टी कॉन्स्ट, और यहाँ पे टाइप करता हूँ नेम इक्वल टू यहाँ पे अतुल ए टी यू एल, बन के इंटर,
क्या हो गई, और यहाँ पर टाइप करता हूँ नेम इंटर, देखो अतुल आ गया। अब यहाँ पे देखो नेम इक्वल टू करता हूँ, नेम इक्वल टू डबल कोट में डाल देता हूँ हेलो, और यहाँ पे इंटर, देखो क्या हो गई असाइनमेंट कंस्टेंट वेरिएबल्स। देखो तो इस टाइप के हमें इरर आती है जब हम क्या करते हैं किसी भी वेरिएबल को उसकी वैल्यू हमें चेंज नहीं करना है, पूरे होल ऑफ द प्रोग्राम पूरे होल ऑफ द बॉडी में क्या हो कॉन्स्टेंट हो उसकी वैल्यू चेंज ना हो, तो उसे हम किससे डिक्लेयर करते हैं कॉन्स्ट से। क्लियर, ठीक है आई समझ में। तो कॉन्स्ट वेर और लेट तीनों में ये डिफरेंस होती है ना, और भी इसको ज़्यादा मतलब एक्सप्लोर करना आप वेर लेट और कॉन्स्ट में क्या क्या डिफरेंस होती है ना। तो मैंने अभी थोड़े से आपको बेसिक्स बता दिए कि वेरिएबल तीन तरीके से डिक्लेयर करते हैं, किसमें जावास्क्रिप्ट में, वेर के थ्रू, लेट के थ्रू और कॉन्स्ट के थ्रू। अगर मुझे पूरे होल ऑफ द प्रोग्राम में इसको अगर इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं किस कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करूँगा, वेर कीवर्ड के थ्रू। अगर मैं चाहता हूँ कि ओनली वन इस वाले ओनली वन जो हमारी सम नाम की मेथड है, सम नाम की जो मेथड है फंक्शन है उसी के अंदर हमारे का वेरिएबल्स यूज हो तो मैं उसको लेट से यूज़ करूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि हमारी जो वैल्यू का वेरिएबल है मतलब जो वेरिएबल है उसकी क्या हो वैल्यू चेंज ना हो, उसको चेंज कोई करे तो इरर आ जाए दिक्कत है मतलब उसको चेंज ना कर पाए, तो हमें उसको कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर करना चाहिए। ठीक है तो लेट वेर एंड कॉस्ट ये क्लियर हो गया। ठीक है अभी कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे फोर लूप पे है ना। तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक चलाया और स्टेप बताया कि हमने कितना करके इंक्रीमेंट करनी है 2 2 से, फिर क्या कर 3 से इंक्रीमेंट करते हैं इसको। देखो यहाँ पे तो क्या ही 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8 है ना, यानी कि टेबल वाली नहीं है टेबल। तो टेबल को हमें कैसे चलानी पड़ती है, देखो टेबल हाँ तो वन यहाँ पे देखो वन मल्टीप्लाई क्या होती है, वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन, फिर क्या होती है वन मल्टीप्लाई टू इक्वल टू टू होती है, फिर वन मल्टीप्लाई थ्री इक्वल टू क्या होती है थ्री। तो किसका टेबल है ये आपका 1 2 3 का टेबल है, क्लियर। फिर ये किसका टेबल है वन मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 4 और इक्वल टू करता हूँ यहाँ पे 4, तो ये 1 का टेबल हो गया। अब देखो 2 का टेबल लिखूंगा, तो पहले क्या होती है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4। अब पहले क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, ठीक है। ठीक है अभी रुक जाओ, जितने लोगों ने सारे लोगों का टेस्ट लेता हूँ अभी मैथ का। ठीक है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पे करता हूँ 3 3 2 जा 6, क्लियर। तो देखो 2 का टेबल ये क्या है कांस्टेंट है, 2 क्या है कांस्टेंट है, इंक्रीमेंट कौन हो रहा है 1 2 3, क्लियर। यहाँ पे भी 1 क्या था कांस्टेंट था, ठीक है। तो देखना यहाँ पे Ctrl Z, ये 8 है आपका, ये 1 है, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है बताओ कितना आएगा, बताओ यहाँ पे 2 9 जा, ठीक है सारे लोग मैथ के स्टूडेंट है ना, 2 9 जा 18, यहाँ पे 9 18 और यहाँ पे 18, और क्या हो गया ये जैसे कट हो गया, कट ये कट और ये क्या बच गया 1, ठीक है। अब जैसे मल्टीप्लाई हम चेक करते हैं ना, तो कैसे करते हैं इस और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो तो इसको बोलो मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, कितना हुआ 18, और 1 प्लस है तो मैं 1 ऐड कर दूँ 1, तो कितना हो गया ये 90, क्या हुआ 90। बट यहाँ पे क्या है सही है हमारा मल्टीप्लाई कि नहीं बताओ सारे लोग, हेलो सभी को दिखाना क्वेश्चन, हेलो
हेलो, यस सर, ठीक है तो बताओ गलती कहाँ यस सर, है? 9 2 जा 8, 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 कितना हुआ? 90, 90 हो रही है ना? बट यहाँ पे क्या है, तो बताओ रॉन्ग मिस्टेक कहाँ पे है ना? सर 181 माइनस 18 होगा ना। हाँ 181 माइनस 18, इसमें से 18 घटाओ, माइनस 18 होगा ना यहाँ पे 18, वन एट सर, 1 के नीचे 8 आएगा और 8 के नीचे 1 आएगा। अच्छा ऐसे मल्टीप्लाई होती है। ठीक है आप लोग, ठीक है अभी देता हूँ, अभी मैथ का क्वेश्चन तो क्लास नहीं चल रही है ना, ठीक है और दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन आपका है, रुक जाओ इसको मल्टीप्लाई करना, अभी टफ है, मैथ का बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, इसको फिर आप 3 से डिवाइड करो है ना, 3 2 12 1, यहाँ पे क्या कर दिया 1, तो 3 4 जा 12, और यहाँ क्या करूँ अब बताओ, 12 यहाँ पे लिखूँ कि यहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं ना, हाँ नहीं सर, हाँ सर, 12 के नीचे लिखो, 12 के नीचे, 1 के नीचे 0 आते हैं सर। ठीक है इसको क्या करूँ, ये तो कट हो गई, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया है ना, बचा क्या 1, 1 उतर गया, फिर इसको सही कैसे, अब इसको गुना जो मल्टीप्लाई किया है तो उसको जांच करते हैं ना, जांच मतलब कि इसको बोलते हैं भाग्य और इसको भागफल बोलते हैं और उसको शेष बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, क्लियर? तो इस दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जो रिमाइंडर बची होती है ना, तो 3 2 जा 12 कितना हुआ, 12 12 12, और जो आपका शेष बचा रिमाइंडर बचा इसको प्लस क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या किया 1 को ऐड किया, तो टोटल कितना हुआ, 12 प्लस 1 13, कितना हुआ 13 ना हो रहा है, फिर भी 13 सर क्या जीरो 21, जीरो वन को ऐड करोगे ना, 001 को कहाँ पे, 12 प्लस 001। 12 प्लस 0 प्लस 1 यहाँ पे, एक तो 120 यहाँ पे देखो क्या आया, 4 है, 4 मान, तो 4 और 3 जा 12 होता है ना, तो 120 कहाँ से आ गए, 120 कहाँ से आएगी? देखो मैं बता देता हूँ है ना, आप लोग ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं करते हो है ना, सारे लोग ध्यान से देखना, जो इसकी मल्टीप्लाई डिवीजन होती है ना, तो पहले सबसे पहले क्या होती है, 2 से 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे होती है 0 इक्वल टू, क्या हो जाती है 0, तो हम लोग क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं, क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं है ना, तो मैंने क्या किया 2 से लेफ्ट हो रहे हैं कुछ लोग, ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, बताऊँ इसका सोल्यूशन कि नहीं, बता दूँ? हेलो, यस सर, ठीक है देखिए, तो कोई भी अगर अंक यहाँ पे जो इसको डिजिट ही बोलते हैं ना, अगर डायरेक्ट उतरता है, डायरेक्ट इन द सेंस कि इसको किसी डिजिट से माइनस किया मैंने, नहीं ने किया, और देखते हैं ये जो डिजिट है 2, क्या 2 1 से छोटा है ना, जब छोटा होता है तो क्या करते हैं इसको किसी से नहीं ले जाते हैं, डायरेक्ट क्या कर देते हैं यहाँ पे रख देते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं, जैसे देख लो यहाँ पे, और मैं कर दूँ यहाँ पे 4 2 जा 14 1, देखो यहाँ पे 41, यहाँ पे देखते जाना आप लोग, 41 किया यहाँ पे, और इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से, 2 से किया, 2 2 2 जा 4, क्या आया 2 2 जा 4, और यहाँ पे क्या होगी 4, और क्या होगी एक कट गया, मतलब यहाँ पे ये 0 हो गया ना, और यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 1 बचा, 2 2 जा 4, अब 4 प्लस 1 क्या हुआ 5, अब देखो यहाँ पे भी गलती हो रही है ना, 41 है बट यहाँ पे क्या आ रही है हमारी 5 आ रही है, तो कुछ तो मिस्टेक हो रही है ना। हेलो, तो देखो ये हम लोगों ने बचपन में ध्यान नहीं यस सर, दिया है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो डिजिट यहाँ पे क्या है 1 है, देखो यहाँ पे भी क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यार नहीं क्या है, ये वाली जो डिजिट है ना, ये वाली डिजिट, ये वाले डिजिट, ये वाले डिजिट, ये वाले डिजिट है जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, वो क्या है ज़्यादा है, बड़ा है इस वाले डिजिट से, तो हम क्या करते हैं उसको 0 टाइम्स ले जाते हैं, कितना टाइम्स से 0 टाइम्स,
तो इसको जीरो टाइम्स ले गया, तो जीरो टू जा, जीरो में मल्टीप्लाई टू से करोगे तो कितना आएगा, जीरो मल्टीप्लाई टू इक्वल टू कितना, आप लोग 25 लोग हो, जीरो, तो यहाँ पे क्या आएगा जीरो। अब क्या होगा यहाँ पे जीरो, ये वाला और इसको रुको मैं रब कर, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं जीरो। अब यहाँ पे क्या हो गया, जीरो में वन से मतलब डिवाइडर किया घटा तो क्या हो जाएगी वन, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 22 जा 40, क्या हुआ 40, अब 40 प्लस वन जो हमारा डिवाइडर बचा है वन इक्वल टू क्या हो गया 41। देखो अब सही आ गया 41, इसको करो यहाँ पे क्या बचा है वन, तो इसको कितना टाइम ले जाएंगे जीरो टाइम्स। क्यों रीजन पूछेगा कोई, क्यों जीरो टाइम्स ले जा रहे हैं, क्योंकि बोलना कि ये डायरेक्ट आ रही है ना, तो डायरेक्ट जब आती है तो हम उसको किससे ले जाते हैं जीरो से, उसको डिवाइड करते हैं, तो जीरो मल्टीप्लाई टू क्या होगा जीरो, यहाँ पे जीरो हो गई और यहाँ पे अब क्या बचा वन, तो 92 जा क्या होगा 80, 180, तो 180 180, अब प्लस जो आपका रिमाइंडर है ये रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर कितना है वन, तो इसको ऐड कर दो यहाँ पे, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 181, ठीक है। अब ये भी सब सारा टोटल सही हो जाएगी ना, समझ में आ गई कंसेप्ट आप सभी लोगों को, किसी को डाउट नहीं है, डाउट है, ठीक है, नो सर, ठीक है। अभी सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं ना, सभी के पास होगा ना कॉपी पेन अभी पास में, ठीक है। चलिए मुझे लिख के दिखाइए, 11,111 कितना लिखना है, 11,000, हिंदी समझ में आती है ना जो मैं बोलता हूँ, 11,111 लिख लिया, और इंग्लिश में बताए ना 11,000 उसको 11,011 आएगा, तो ये तो समझ में आ गई ना, सब जिनको हिंदी में समझ में आना था मतलब जिनको इंग्लिश में समझना था उनको भी समझ में आ गई ना ये प्रॉब्लम्स, यस सर, ठीक है। अब दूसरा प्रॉब्लम्स था मैथ का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब मैंने रखे हुए हैं अभी मतलब मैथ के, है ना, तो हमारी मैथ की क्लास नहीं चल रही है, हमारी कोडिंग चल रही है, तो मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि हमारी ये टेबल की थी, है ना, तो टेबल में ये चीज़ें छूट जाती है ना जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, टेबल टू मल्टीप्लाई जीरो, तो इसलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट आप लोग को पहले फंसाया है ना, फिर उसके बाद सोल्यूशन दिया इसका क्या सोल्यूशन होती है ना। तो वैसे ही एक जैसे 11,000 11,111 लिखो आप लोग, कितना 11,111 आई समझ में, अब लिखिए सारे लोग कॉपी पेन, और उसको फिर से जैसे इकाई दहाई करते हैं ना 11,111, ठीक है। जैसे उसको मराठी में, सारे लोग तो इसमें मराठी में उनको बोलते होंगे ना इकाई दहाई को, क्या बोलते हो आप लोग, चलो आप लोग बोल रहे हो पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर बोलता हूँ तब लोग बोलोगे आप लोग, अभिजीत, यस सर, ठीक है। चल मराठी में आप इसको ठीक करके डिक डिक करके बताओ, इकाई दहाई को क्या बोलते हैं इसको, बोलो किसको सर, इसको इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार बोलो, हाँ एकक दशक हजार दस हजार लाख दस लाख, मैंने क्या बोला था 11,111 बटे कितना अंक है डिजिट, एकक 11,111 कितना पहुंच गया 1,00,000 पहुंच गई ना, 1,11,111 1,11,111 सर, बट मैंने क्या बोला है कितना लिखने को बोला है 11,00,000, 11,00,000 नहीं बोला है 11,111 बोला है, हाँ तो बट आप लोग कैसे लिख, कितना पहुंच जा रही है 1,00,000 पहुंच जा रही है ना, ये भी कहीं गलती है ना मिस्टेक, यस सर,
ठीक है, तो अब आप लोग के करके लाना है ना, बताना है अगले क्लास में, ठीक है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग टेबल पे थे ना। अगर मैं मैथ भी पढ़ाऊँ ना तो आप लोग को और मज़ा आएगी मैथ पढ़ने में, लेकिन आप लोग तो पास हो चुके ना एमसीए के, है ना? ठीक है, हम टेबल पाते हैं यहाँ पे। कोई बात नहीं सर, फिर से पढ़ेंगे। हाँ ठीक है, मज़ा आया ना ये वाला क्लास जो अभी दो दो क्वेश्चन दिए आप लोग को, ये वाला हाँ प्लस, मजा आता है सर ऐसा। हाँ, और एक 11,000 वाली, ऐसे बहुत सारे आपको थी। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे मैंने प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं ना, जैसे कि वहाँ पे तो मेरे भी मैथ्स जो छूट गए हैं बहुत सारे, मतलब साल हो गए मतलब मैथ्स पढ़े हुए, बट वो सब चीज़ें याद है अभी भी, है ना? तो देखो, तो अभी क्या बता रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग और स्टॉप, स्टेप पर यहाँ पे स्टेप होती है और स्टॉप, है ना? हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया और हमने यहाँ पे क्या किया, स्टे मतलब स्टॉप 20 पे स्टॉप हो जाए, है ना? तो देखो अभी मैंने प्रिंट किया था यहाँ पे, तो स्टार्टिंग 2 से स्टार्ट हुआ और देखो यहाँ पे स्टेप मैंने क्या डाला है, +3 का डाला है, +3। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 + 3 तो 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, क्लियर? तो ये वाली जो कंडीशन आप लोग याद रखोगे, स्टार्ट स्टॉप और स्टेप, तो इसे हम फोर लूप यूज़ करते हैं ना। तो फोर लूप, जैसे कि फोर लूप और वाइल लूप, आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हेन वी यूज़ फोर लूप एंड वाइल लूप, है ना? तो जब बताना कि जब हमें पता हो स्टार्टिंग और स्टॉप और स्टेप पता हो, तब हम यूज़ क्या करते हैं, फोर लूप का यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर हमें बहुत सारे डेटा को लानी होती है कहीं से डेटाबेस से, तो हम लोग वहाँ पे पता नहीं होते कि हमें कब तक लूप को चलानी है, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप का यूज़ करते हैं। किसका, वाइल लूप का, ठीक है? तो मुझे टेबल प्रिंट करके दिखानी है, तो एक कंसेप्ट क्लियर हो गई, तो टेबल वाली चलते हैं। तो फोर कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, और हमारी जो टेबल कितना टाइम चले, 10 टाइम तक चले, कितना? तो मुझे इसको इंक्रीमेंट करनी है ना, 1 2 3 4 5, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या है आपकी, कांस्टेंट है, क्लियर? अब मैं इसको स्टेप क्या करूँ, 1 + 1 इंक्रीमेंट कर दूँ, i++। तो क्या हो गई, इंक्रीमेंट हो गई i++ से, ठीक है? अब देखो, अब मुझे यहाँ पे क्या करनी होगी, है ना? अब क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ यहाँ पे लेट, और यहाँ पे डाल देता हूँ नम इक्वल टू, जैसे कि मान लो यहाँ पे, जैसे आप लोग कोई भी नंबर डालोगे यहाँ पे टेबल कर, TABLE डाल देता हूँ, है ना, टेबल, और यहाँ पे सेमी कोलन, ठीक है? और यहाँ पर टेबल में डाल देता हूँ आपका 5, मुझे 5 का टेबल प्रिंट करनी है, किसका, 5 का, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो देखो मुझे इसको प्रिंट करनी है आई को, तो फिर पहले क्या करूँगा, टेबल 5, तो TABLE टेबल, तो पहले फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट हो जाएगी, 5, है ना? फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, 5 में यहाँ पे, तो i++ इंक्रीमेंट होगी, क्लियर? उसके बाद बोलिए यहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई मल्टीप्लाई, और फर्स्ट टाइम आई मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आई से कर देता हूँ सेव, और क्या हो गया, 5 का टेबल हो गया, क्लियर? तो देखो अब मुझे 6 का टेबल चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 6 का टेबल, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, 1 1 6, ठीक है? तो देखो किसका टेबल हो गया, 6 का। तो टेबल के लिए हम लोग ऐसा लूप यूज़ करते हैं, क्लियर? तो जिन लोगों ने अभी तक जैसे कि प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं किया होगा टेबल वाला, 1 2 वाला, तो आज सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट, मतलब आप लोग क्या करना, ये बनाने के लिए कोशिश करना, है ना, टेबल, और समझ समझ के बनाना कैसे, है ना? अगर मैं बोल दूँ इस फॉर्मेट में आपको प्रिंट करनी है, तो आप कैसे प्रिंट करोगे? ये तो मैंने क्या किया, अभी सिंपल वाला प्रिंट कर दिया, 6 12 18, है ना, 6 2 12 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, है ना? तो ऐसे आ गई टेबल हमारी, क्लियर? अगर मैं बोलूँ कि 2 2 1 2, जैसे 6 का है ना टेबल, तो 6 और मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या है, 6 आए, ये फॉर्मेट। और जैसे और क्या हो, 6 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 12, इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। तो अब मुझे यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, कहाँ पे, तो देखो पहले 6 आएगा, क्या आएगा, पहले 6, उसके बाद क्या करूँगा यहाँ पे, कंकिनेट करूँगा, देखो यहाँ पे इसको हटाता हूँ, 6 मल्टीप्लाई, उसके बाद मैंने क्या किया, कंकिनेट किया, ये तो 6 आ गई, उसके बाद यहाँ पे देखो प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या टाइप कर दूँ, x, ठीक है? फिर इसको क्या करूँ, कंकिनेट करूँ, ठीक है? उसके बाद मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू चाहिए, क्या चाहिए आपके, पहले उसके बाद आई चाहिए ना यहाँ पे नंबर, तो पहले आई, उसके बाद फिर कंकिनेट करता हूँ प्लस करके, कंकिनेट, ठीक है?
और मुझे क्या चाहिए, इक्वल टू चाहिए, तो यहाँ पे क्या टाइप करते हो, इक्वल टू। फिर उसके बाद क्या है आपका जो टेबल है मल्टीप्लाई होकर आ रही है वो आ रहा है ना। देखो तो यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे टाइप करता हूँ प्लस कंकिनेट करके, और यहाँ पे टेबल TABLE टेबल मल्टीप्लाई किससे, आई से ऊपर आए, सेव और रन। देखो ये वाला इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है सेव और रन, सिक्स सिक्स। प्लस आई के बाद हमने इक्वल टू डाला, इक्वल टू के बाद प्लस किया हमने और यहाँ पे आई, इसमें 6106। यहाँ पे जब ब्रेक लगा देता हूँ है ना, प्लस करके यहाँ पे कंकिनेट कर देता हूँ, यहाँ पे कंकिनेट और डबल कोट में BR, ठीक है। देखो 66 मल्टीप्लाई होके नहीं आ रही है वन, यहाँ पे आई देनी चाहिए थे मुझे ना आई, ठीक है। देखो 6 मल्टीप्लाई वन, तो ऐसे एक से दे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे स्टार वाली होती है ना, तो स्टार वाली ये साइन दे सकते हो, क्लियर। देखो 6 मल्टीप्लाई वन, 6 6 टू जा 12 18 16 14, ये कैसे टेबल आगे प्रिंट हो गए, तो सभी को समझ में आई ना टेबल मैंने कैसे प्रिंट करके दिखाया आपको। हेलो यस सर, ठीक है। तो लूप चलाने में कोई दिक्कत किसी को, नो सर, ठीक है। तो आप लोग जितना होगा टेबल वन से लेकर टू तक आप लोग प्रैक्टिस कर लेना है ना, कितना तक, अब जैसे वन से लेकर टेन तक या टेन से लेकर ट्वेंटी तक जिसको जितना प्रिंट करना होगा, तो आप लोग क्या करना है प्रैक्टिस करना है उसकी, किसकी, फोर लूप की है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे अब देखते हैं, चलिए अगला वाइल लूप है ना। तो आप वाइल का कंडीशन यूज़ करते हैं, इसको क्या करो कमेंट कर दो, ठीक है, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कमेंट किया और यहाँ पर टाइप करता हूँ वाइल लूप, ठीक है। तो देखिए इसके कैसे कंडीशन देते हैं है ना, वाइल, ठीक है, और यहाँ पे क्या डालते हैं कंडीशन, कंडीशन और इसकी बॉडी कंट्रोल जेड, ठीक है इसकी बॉडी, ठीक है। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती जाएगी ये क्या हो जाएगी प्रिंट होती जाएगी, ठीक है। तो वाइल की ये आपकी कंडीशन होती है ना, फिर इसको मैं क्या करता हूँ प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको वाइल लूप। तो देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ वेयर वेयर, और यहाँ पे टाइप करता हूँ जैसे कि एक्स इक्वल टू वन, और यहाँ पे सेमी कोलन, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप करता हूँ वाइल WHILE वाइल, और जो आपका आई जो है एक्स है तो क्या हो आपका, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, तो एक्स आई, हाँ एक्स लेस देन इक्वल टू, अगर 20 से क्या हो जो एक्स का वैल्यू है, अगर 20 से क्या हो छोटा हो तो क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या दिया मैंने कंडीशन, ऐसे इफ़ में देते थे ना यहाँ पे इफ़ के कंडीशन में इफ, और यहाँ पे देखो जैसे कि एक्स लेस देन इक्वल टू, अगर जैसे लेस देन इक्वल टू क्या 20 से छोटा हो तो कौन सी कंडीशन चलेगी, अगर ये ट्रू हुआ तो, ऐसे देखते थे ना, ये ट्रू हुआ तो ये चलेगी, अदरवाइज कौन सा चलेगा इल्स कंडीशन चलेगा। तो सेम वैसे ही यहाँ पे वाइल लूप, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो चलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा ये ब्रेक बाहर हो जाएगी लूप से, ठीक है। अब टाइप करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूँ एक्स, ठीक है सेव करता हूँ। कब तक देखो, अब यहाँ पे देंगे कंडीशन एक्स प्लस प्लस, और इसको मैंने क्या कर लिया इंक्रीमेंट कर लिया, तो जो आपकी कंडीशन है कब से कब तक चलेगी 20 तक चलेगी, कहाँ से स्टार्ट होके वन से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी आपकी 20 तक, सेव। और देखो आप यहाँ पे वन से लेके कितना तक चला 20 तक, तो आपकी किसी कंडीशन थी वाइल लूप की, ठीक है। तो आपको इजी तो लग रहा है कि फोर लूप से भी इजी है, तो जब हम लोग कोडिंग जब हमें डेटा बेस से डेटा को लानी होती है तो सबसे ज़्यादा किस लूप का यूज करते हैं वाइल लूप का यूज करते हैं, किसका वाइल लूप का, क्लियर। जैसे आपको प्रिंट करनी है वन से लेकर, जैसे कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे करते हो फिफ्थ से, कहाँ से फिफ्थ से, फिफ्थ से लेकर आपको 20 तक प्रिंट करानी है, तो फिफ्थ से लेकर 20 तक ये कंडीशन क्या होती जा रही है प्लस, कि जब तक ट्रू होगी कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट हुआ एक्स के वैल्यू 5, फिर क्या होगा इंक्रीमेंट हो गया, तो 5 + 1 6, तो फिर यहाँ पे चेक किया 6 क्या है छोटा है, तो फिर क्या होगा 6
प्रिंट हो जाएगी। फिर क्या होगा, 6 प्लस 1 सेवन, सेवन क्या है 20 से छोटा है, तो फिर क्या होगा प्रिंट हो जाएगा 7। ऐसे लूप हमारी कितना टाइम तक चलेगी, 20, जैसे 20 हुआ क्रॉस होके बाहर, क्लियर। इसके बाद आती है डू वाइल लूप, है ना। तो डू वाइल लूप होती है कंडीशन, इसकी हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता हो कि कोई भी स्टेटमेंट वंस टाइम तो कम से कम चले ही चले, कितना टाइम वन टाइम, एक बार कम से कम चले ही चले, उसके बाद में जो भी हो, है ना, कंडीशन ट्रू हुआ तो चले, नहीं तो हमारी ब्रेक हो जाए, क्लियर। तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, डू वाइल लूप का यूज करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे होती है, देखो यहाँ पे डू होती है, फिर इसकी बॉडी होती है, यहाँ पे जैसे कोड आपको जो लिखना है आप लिखो यहाँ पे कोड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होती है आपकी वाइल, और इसकी कंडीशन होती है WHILE, और यहाँ पे कंडीशन CONDITION, ठीक है, कंडीशन, और यहाँ पे इसकी सेमीकोलन, ठीक है। इसका सिंटेक्स पता चले ना, देखो वाइल लूप की सिंटेक्स ऐसे, फॉर लूप की सिंटेक्स कैसे मैंने बताई थी, कहाँ गई, यहाँ पे इसकी फॉर लूप स्टार्ट स्टॉप और स्टेप की फॉर लूप, आपकी वाइल लूप, यहाँ पे वाइल लूप कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक चलेगी हमारी, फिर उसके बाद हमने किसका देखा, डू वाइल का, है ना। अब इसकी कोड की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक वेरिएबल बनाता हूँ और डाल देता हूँ आई इक्वल टू यहाँ पे 10 सेमी कॉलन, और यहाँ पे टाइप करता हूँ डू लूप डू, और इसकी ब्रैकेट, और यहाँ पे टाइप करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आई, और यहाँ पे सेमी कॉलन, ठीक है। अब मैं किसका क्या करूँ, इसको इंक्रीमेंट कर देता हूँ आई प्लस प्लस, यानी कि 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब कब तक चलेगी, तो ये कौन डिसाइड करेगा, वाई लूप, WHILE वाई लूप, और उसकी मैं बॉडी देता हूँ वहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू, कितना तक चले 5 तक चले, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कॉलन, सेव और रन, आई इक्वल टू 10 आई प्लस प्लस कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है। तो कितना टाइम चल रहा है आपका ये कंडीशन, आई यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी है 10, है ना। और देखो यहाँ पे आई की जो वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे देखो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि फल्स हो रही है, बताओ आप। यहाँ पे आई मतलब 10, 10 क्या 5 से छोटा है बड़ा है, कंडीशन फल्स है ट्रू, फल्स है, बट फिर भी एक वन टाइम तो चल ही रहा है ना, देखो वन टाइम तो चल रहा है ना कंडीशन फल्स होने के बाद भी, क्लियर। तो देखो ये वाला चीज कहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, जो आप एटीएम में जाते हो पिन डालने के लिए, जब आपकी पिन क्या हो ट्रू हो, है ना, अगर ट्रू हो जाए तो कम से कम एक बार तो चले आपका दिखे कि हाँ आपने एटीएम में एक बार पिन डाला, ठीक है। अगर आपका पिन सही हो जाती है तो आगे बढ़ो, वरना क्या हो जाओ आप, मतलब ब्लॉक, मतलब डिस्कार्ड हो जाओ, मतलब हट जाओ वहाँ से, है ना। तो ये कंडीशन वहाँ पर लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें वैसे ऐसे चीज़ें पे लगाते हैं, जैसे गेम कोई भी ओपन करते हो, है ना, तो क्या होता है कि जैसे कि आप खेलते खेलते गए 100 हुआ जैसे, तो फिर जैसे 100 हुआ फिर उसके बाद अगर ओपन नहीं कर पाते हो तो फिर क्या हो जाता है, फिर बैक आ जाते हो, है ना। तो ये सब वाइल लूप डू वाइल लूप, मतलब ये सब टाइम पे कंडीशन लगती है, कम से कम हमारा जो लूप है वन टाइम चले, उसके बाद क्या हो ब्रेक हो जाए, क्लियर। देखो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसको आई को 10 है ना, तो यहाँ पे देखो इसको मैं कंडीशन को ट्रू करता हूँ, यहाँ पे डाल दूँ 1 डाला तो 1 5 से छोटा है, अब देखो कितना टाइम चल गया 5 टाइम, तो कंडीशन ट्रू हुआ तो ये वाला वाइल लूप के थ्रू चला, और कंडीशन फॉल्स हुआ तो डू लाइक डू मतलब लूप कम से कम एक टाइम तो चला ही चला, क्लियर। तो आज हमने आज की क्लास में हमने क्या देखा, फॉर लूप देखा, वाइल लूप देखा और डू वाइल लूप देखा, क्लियर। किसी को डाउट कोई समझने में, डाउट कोई क्वेश्चन, नो सर ऑल क्लियर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, फंक्शंस के बारे में, क्लियर। तो हम लोग फंक्शन देखेंगे, फिर अभी हमारा अगला क्लास स्टार्ट होने वाला है जावा का, क्लियर, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।